मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल दिया है। वो प्रचार के अंतिम दो दिन वाराणसी में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री आज वाराणसी शहर में रोड शो करेंगे। इसकी शुरुआत मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर शाम 4 बजे माल्यार्पण करने के बाद से होगी। रोड शो लहुराबीर, कबीर चौरा, लोहटिया, बुलानाला, मेदागिन चौक, विश्वनाथ धाम, बांस फाटक होते हुए गोदौलिया पर जाकर खत्म होगा। रोड शो वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्र कैंट, शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर होने वाली नित्य संध्या गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे क्या कुछ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं इस वक्त। धर्मेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, आज सीएम का रोड शो भी है और यहाँ पर एक तरह से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, चुनाव जो अंतिम चरण में अपने, किस तरह की तैयारी वहां पर नजर आ रही है? देखिए राष्ट्रीय, मैं पहले तो बताना चाहूंगा, जो वाराणसी में इस समय दिग्गजों का महाकुंभ कहा जाता है वो महाकुंभ हो चुका है। राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः वर्तमान मौजूद हैं। तो वाराणसी के जो वाराणसी के आसपास 9 जिलों की जो 57-54 सीटों का जो चुनाव होना है उसको लेके बीजेपी बड़े स्तर पे मंथन कर रही है और व्यापक रूप का जो आयोजन होता है, जैसे आयोजन किया जा रहा है, और जो 54 सीटें हैं उनको बीजेपी किसी तरीके की उस जिलों में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे उनकी विकास योजना हो, चाहे उनका डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार की बात की जाए, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके बीजेपी महामंथन कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के आसपास के जिले हैं, प्रधानमंत्री के ही चेहरे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की साख है, तो उसको बचाने में बीजेपी कहीं ना कहीं एक महामंथन चाणक्य की तर्ज पे कर रही है। और उसको लेके वाराणसी में जो आज रोड शो होना है प्रधानमंत्री का, लगभग 2 बजे रोड शो प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर बाद उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, बीजेपी का महामंथन होगा, करीब 2-3 घंटे पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे, उसके तदुपरांत प्रधानमंत्री सरदार पल्लव पटेल प्रतिमा लहुराबीर पहुंचेंगे, वहां से करीब 7.5 किलोमीटर लंबा रोड शो है ये, कैंट, रोहनिया और दक्षिणी उत्तरी, करीब 4 से 5 विधानसभाओं को जोड़ता है, ऐसे जगहों से वो प्रारंभ कर रहे हैं सरदार पटेल से, और मालवीय की प्रतिमा बीएचयू गेट तक जाएगी, ये लंबी रोड शो होगी। बीच में 1-2 जगह प्रधानमंत्री का स्टॉपेज है, जहां विश्वनाथ मंदिर में वो काफी देर रुक के दर्शन पूजन करेंगे, उसके पहले राहुल गांधी, प्रियंका पहुंच रहे हैं विश्वनाथ मंदिर। तो जो हिंदुत्व का कार्ड है, सबसे बड़ी चीज राष्ट्रीय मैं बताना चाहूंगा, सारी पार्टियां जो हिंदुत्व कार्ड है वो खेलने की लगातार बात कर रही हैं, वहीं विपक्षी दलों द्वारा जो लगातार पलटवार किया जा रहा है, शब्दों की बौछार की जा रही है। आज मुख्तार अंसारी के बेटे का एक बयान जारी हुआ कि सरकार आते ही 6 महीने में जितने अधिकारी हैं उनका हिसाब होगा, उसके बाद उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी। तो जिस तरीके का माहौल पूर्वांचल का बना है इस समय, काफी एक रूपरेखा जो राजनीतिक रण होता है, इसे कहा जाता है राजनीतिक रण, और राजनीतिक अखाड़ा जो होता है वो सियासी पारा एकदम गर्म हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 तारीख का मतदान किसके लिए भारी पड़ेगा और किसके लिए हल्का, ये तो जनता ही तय करेगी राष्ट्रीय। वाकई, और जो अंतिम दो चरण रहे हैं धर्मेंद्र, उस पर अगर हम नजर डालें तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए और मुख्यमंत्री योगी के लिए ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट 111 सीटें हैं, 57 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन अभी 54 सीटें बाकी हैं जिन पर ये वोट डाले जाएंगे, और सारे पूर्वांचल के इलाके हैं जिसमें गोरखपुर और वाराणसी महत्वपूर्ण सीटें, इसलिए ये हॉट सीट हो जा रहा है, या हॉट चरण भी कह सकते हैं इसे। चलो इस पर नजर बनी रहेगी धर्मेंद्र, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह भी पूरी ताकत दिखाते हैं यहां पर नजर आ रहे हैं, मोदी खुद पहुंच रहे हैं, योगी खुद प्रचार कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी प्रचार कर रही है, तो प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारी है वहां पर?
देखिए राष्ट्रीय, मैं बताना चाहूंगा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि कल सपा की जो रैली हुई थी उसमें जिस तरीके की भगदड़ हुई थी, प्रशासनिक कर्मियों के साथ मारपीट सपाइयों ने की थी, उसके बाद मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी हुई, तो प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है ताकि किसी प्रकार की कहीं से कोई कमी न हो सके, चाहे प्रधानमंत्री का रोड शो जो 2 बजे से प्रारंभ होगा और लगभग 6 बजे तक चलने वाला है, उसके तदुपरांत 8 बजे से अखिलेश यादव का परमिशन दिया गया है, संभावित अखिलेश यादव का रोड शो भी है, प्रियंका गांधी की सभा होने जा रही है, तो जिस तरीके से वाराणसी का माहौल बना हुआ है, प्रशासन, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस, पीएसी, जो अतिरिक्त अर्धसैनिक बल हैं वो बुला लिए गए हैं ताकि किसी तरीके की कहीं कोई चूक ना हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जो डबल कोटेड प्रोटेक्शन की बात की जाती है वाराणसी में, उसकी अति आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री खुद मौजूद है वाराणसी में और चुनावी सियासी पारा काफी गर्म है, और जिस तरीके से हिंसक झड़प राष्ट्रीय लगातार चल रही है पूर्वांचल में, चाहे बलिया का चुनाव आप देख लीजिए, कल जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई, अखिलेश की रैली में जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई, तो पूर्वांचल में इस समय सियासी पारा इस कदर है कि अनियंत्रित हो चुके हैं लोग, तो इसके नियंत्रण के लिए प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है और प्रशासन पूरी तरह से चप्पे चप्पे पे निगाहें रखी है। यहां तक राष्ट्रीय बताना चाहूंगा, सुरक्षा में इस बार जो ड्रोन वगैरह की फैसिलिटीज होती है वो उसको रोक लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार से कहीं कोई चूक ना हो सके। पुलिस कमिश्नर, डीएम और कमिश्नर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फ्लीट निकल रही है, कुल मिलाकर प्रशासन तैयार है, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, अंतिम चरण में है यूपी का चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में रोड शो करने से पहले प्रधानमंत्री मिर्जापुर के बरकछा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा दोपहर 12 बजे होगी, जैसा की अभी धर्मेंद्र संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे। ये प्रधानमंत्री के मिर्जापुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संयुक्त रैली होने वाली है। इसमें अपना दल से केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, बीजेपी नेता अरुण सिंह, प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे।